हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार एजुकेशन टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 40 वन लाइनर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवेनर्स ने किया था। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवेनर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। कार्लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लियोन हॉक ने की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लियोन हॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वह है लैक्टोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका, जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो जंतु में होने वाला फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, शैवालों की कोशिका भित्त सेलोस की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चावल की खेती के लिए नील हरित शैवाल उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल सागर का जो लाल रंग शैवाल के उपस्थित के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कोल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, साबुदाना यानी कि सैगो यानी कि साइकस से प्राप्त होता है। साबुदाना जो है साइकस से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। ठीक है दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो आपका रेफ्लेशिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागित फूलों के कारण परागण रुच्छ और चिपचिपे होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वनस्पति का नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला यानी कि लौंग कली से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला यानी कि लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है।
तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो दोस्तों क्या कहलाता है? जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है जीन नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में टाइलिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल पदार्थ में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल पदार्थ में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। तो सर्वप्रथम रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन यानी धड़कता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 mm व 80 mm यानी 120 mmHg यानी कि पारे के दाब के बराबर और 80 mmHg पारे के दाब बराबर होता है स्वस्थ मनुष्य का लाल रक्त जो है सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो 100 मनुष्य का जो रक्त दाब होता है, रक्त जो चाप होता है, वो 120/80 के जो है लगभग होता है। और दोस्तों इसे जो है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल शरीर की स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल शरीर के वजन का 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैक्स में रक्त का औसत आयतन 5 लीटर होता है। एक वैक्स में रक्त का औसत आयतन 5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एनस्टीनर ने की थी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कीप वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।